Good evening, everyone. How are you doing? गुड इवनिंग सर। Am I audible and visible? Bhavish? यस सर। Vedant? यस सर। Vedant कहाँ है? सर वो का टोमेटो पीसी सेट कर रहा है थोड़ा। अच्छा तो क्लास कब करेगा वो? आ ही रहा है बस रस्ते में। अच्छा मतलब आ रहा है। आ रहा है। चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? हमने देखा था चार्ज की प्रॉपर्टीज, याद है चार्ज की प्रॉपर्टीज? चार्ज आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मेरे को नहीं याद, मैं भूल गया। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, प्रॉपर्टी बोलो, बाकी याद है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड हमने देखा था पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है, क्या मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज का? अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है उसका मतलब क्या है? भविष्य, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या है? सर मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेस में। इलेक्ट्रॉन्स कम है, प्रोटॉन एक्सेस में है, और जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है उसमें प्रोटॉन ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव कर लिए हैं, इसको हम बॉडी बोलते हैं बॉडी एट हायर पोटेंशियल। याद है? दिस इज द बॉडी एट हायर पोटेंशियल। और जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है या ज्यादा? इस वाली बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है या ज्यादा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और इस वाली बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो? यस सर। इस बॉडी को बोलते हैं अपन बॉडी एट हायर पोटेंशियल, ईशान। और इस वाली बॉडी को क्या बोलते हैं? बॉडी एट, यस सर। जो बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज उसको हम बोलते हैं बॉडी एट हायर पोटेंशियल, और जो बॉडी है नेगेटिवली चार्ज उसको हम बोलते हैं बॉडी एट योर लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल। अब अगर इन दोनों बॉडीज को हम कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? इन अगर बॉडीज को हम कनेक्ट कर दें तो प्रोटॉन्स या तो बॉडी नंबर वन से बॉडी नंबर टू में चले जाएंगे, या तो प्रोटॉन्स बॉडी नंबर वन से बॉडी नंबर टू में चले जाएंगे, या अगर इसका बोल लें हम तो क्या होगा, उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स बॉडी नंबर वन टू से बॉडी नंबर वन में चले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब प्रोटॉन्स जो पॉजिटिवली चार्ज हैं या पॉजिटिव चार्ज हैं वो कहाँ से कहाँ की तरह ट्रैवल करते हैं? प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं वो कहाँ से कहाँ की तरह ट्रैवल करते हैं? दे ट्रैवल फ्रॉम हायर टू हायर टू लोअर पोटेंशियल। लोअर क्या? ट्रैवल फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो कहाँ लोअर से टू कहाँ, हायर पोटेंशियल। दे विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। ये बात सबको क्लियर हो गई है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? भावेश, यस ईशान? सर। सर सिद्धांत का प्रॉब्लम है तो मेरे साथ ही यस बैठा सर। है। अच्छा, सिद्धांत तेरे साथ ही बैठा है? सिद्धांत वेदांत दोनों क्लियर है? इतनी सब चीज क्लियर है? कौन सी बॉडी क्या है, कहाँ जा रही है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे और प्रोटॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे? एम आई क्लियर यस सर। सबको, चारों को? सब लोग हाथ उठा दो, यस नहीं बोलना है तो हाथ उठा दो, मैं हाथ देख लूंगा। यू कैन रेज योर हैंड सो दैट आई अंडरस्टैंड कि तुमको समझ में आ गया है। वेदांत का हो गया, समझ में आ गया? भावेश, ईशान?
भावेश का भी क्लियर है, ईशान ईशान का भी क्लियर है, ओके। अब अगर जनरली हमको ये चाहिए, ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स है, ये कब तक जारी रहेगा? ये तब तक जारी रहेगा जब दोनों का चार्ज, या दोनों का चार्ज, ये चार्ज बोलना ज्यादा अच्छा नहीं है, दोनों का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या ना हो जाए? न्यूट्रल। न्यूट्रल चार्जेस को बोलेंगे न्यूट्रल, या बोलेंगे पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो द फ्लो ऑफ चार्जेस, द फ्लो ऑफ चार्जेस विल कंटिन्यू, कब तक कंटिन्यू करेगा बोलो? टिल सर, टिल इट बिकम सेम। क्या बिकम सेम? पोटेंशियल। टिल द पोटेंशियल बिकम्स सेम, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ये जो प्रोसेस है चलता रहेगा। प्रोटॉन्स पॉजिटिव से नेगेटिव या हायर से लोअर की तरफ भागते रहेंगे, चलते रहेंगे, फ्लो करते रहेंगे, एंड इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। अब अगर मैं, मुझे चाहिए कि भाई ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्जेस हमेशा कंटिन्यू रहे, कंटिन्यूसली चलता रहे, तो उसके लिए मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा? व्हाट शुड आई क्रिएट? पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत अच्छे। तो अगर ये फ्लो ऑफ चार्ज मुझे कंटिन्यू करना है, तो आई मस्ट बी एबल टू क्रिएट समथिंग नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? एक पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल कम होना चाहिए, और ये हमेशा होना चाहिए। अगर ये ऐसी कंडीशन में क्रिएट कर पाया, तो द फ्लो ऑफ चार्जेस विल कीप ऑन कंटिन्यूअस। एम आई क्लियर? कैन यू रेज हैंड्स? दैट यू आर क्लियर कि अगर ये फ्लो ऑफ चार्जेस को कंटिन्यू करना है, तो देयर मस्ट बी अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये है नेक्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट अपन ने लिख लिया, पॉइंट नंबर वन, दिस फ्लो ऑफ चार्जेस विल कंटिन्यू टिल द पोटेंशियल बिकम सेम। इफ अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, इफ अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड, वी नीड टू क्रिएट अ कॉन्स्टेंट पीडी। पीडी का मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमें एक कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अब अगला सवाल ये आता है कि कौन करेगा ये कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट? हु विल क्रिएट दिस कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस? अ बैटरी और अ सेल क्रिएट्स अ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रही है? अगर मुझे चाहिए कि ये चार्जेस कंटिन्यूसली फ्लो करते रहें, भावेश, ईशान, वेदांत, सिद्धांत, इफ आई वांट अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, इफ आई वांट अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज, तो ये एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होते रहना चाहिए, होना चाहिए हमेशा। और इस काम का जिम्मा कौन ले लिया है? अ सेल और अ बैटरी। तो जैसे ही मैंने सेल या बैटरी कनेक्ट किया, एक फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा कंटिन्यूअस, और जैसे ही ये फ्लो ऑफ चार्ज मैंने बना लिया, एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज मैंने कर दिया, तो मैंने क्या क्रिएट कर दिया? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? करंट, जिसको बोलते हैं करंट। अगर मैंने ऐसी कंडीशन क्रिएट कर ली कि मैंने कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज को क्रिएट कर लिया, कंटिन्यूअसली चार्ज फ्लो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस एक बैटरी ने क्रिएट किया है, तो मैंने पैदा कर दिया करंट, एंड दैट इज अ फर्स्ट हेडिंग या नेक्स्ट हेडिंग, करंट। व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट? कौन बोलेगा करंट की डेफिनेशन? व्हाट इज करंट?
व्हाट इज करेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करेंट और करेंट? कौन बोलेगा डेफिनेशन भाई इसकी, बोलो जल्दी फटाफट, कौन बोलने वाला है करंट की डेफिनेशन मुझे? Who will tell me the definition of current? What is current? बोलो बोलो, शर्माओ नहीं, कौन बोलेगा current? Flow of charge that carries electron or proton. Current is the flow of charge. Flow of charge की बजाय हम इसको rate of flow of charge बोले, the rate at which charge is flowing. सुना है ये? Yes sir. तो व्हाट इज करंट, करंट की डेफिनेशन लिखनी है भाई हमको. व्हाट इज करंट, कौन लिखेगा करंट की डेफिनेशन? तो व्हेनेवर देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, व्हेनेवर देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज देयर इज इलेक्ट्रिक करंट. व्हेनेवर देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, व्हेनेवर देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज और अ नेट फ्लो ऑफ चार्ज, whenever there is a net flow of charge, there is electric current. Or electric current is the rate of flow of electric charge with टाइम. याद रहेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद टाइम इज नोन एज करेंट. इट इज डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल आई और कैपिटल आई. आई स्टैंडिंग फॉर करेंट, नॉट सी. एंड हाउ डू आई राइट दिस वैल्यू ऑफ करेंट? करेंट इज टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टी. अगर किसी एक सेक्शन से, एक क्रॉस सेक्शन से, एक जगह से, एक प्लेस से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया इन टाइम टी सेकेंड्स, करेंट फ्लोइंग थ्रू दैट सेक्शन विल बी नोन एज, आई मीन विल बी द करेंट flowing through that section will be given by Q, total charge Q divided by total time T. Do we understand this? Can I have some raise hand that we understand this, sir? Total charge divided by total time is current. Total charge divided by total time is current. What is the unit? SI unit of current. किसी को पता है? Ampere. Ampere, A-M-P-E-R-E, after the scientist Ampere, denoted by capital A. This Ampere is denoted by capital A. So this is the SI unit of charge. No, SI unit of current. Do you know what is the SI unit of charge? Anyone knows what is the SI unit of charge? No, it's coulomb. SI unit of charge is coulomb. सुना है coulomb? C. No sir. कोई बात नहीं. Coulomb is C. What is the SI unit of time? Seconds. SI unit of time is seconds. तो यहाँ से relation आ जाता है. 1 ampere is 1 coulomb per second. What is 1 ampere? How much is 1 ampere of current? हम कब बोलेंगे कि 1 ampere of current flow किया है कहीं से भाई, बताओ. कौन बताएगा? When do we say 1 ampere of current has flown through a circuit or through a point? जब 1 coulomb का चार्ज 1 second में फ्लो किया. If 1 coulomb चार्ज flows in 1 second, current is said to be how much? याद रहेगी ये बात? लोगों वहां पे चले गए. भावेश, वेदांत. यस सर. If 1 coulomb of charge
flows in 1 second, current is said to be 1 ampere. एक एम्पियर का करंट तब होता है जब एक कूलम का चार्ज फ्लो करे 1 सेकेंड के अंदर. एम आई क्लियर? यस सर. ओके, अब इस पे बेस एक क्वेश्चन है जो तुमको करना है. 5 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लोस थ्रू अ सर्किट in 10 seconds. Find the current I. 5 coulombs of charge flows through a circuit find the current. Kar paoge? सर 0.5 एम्पियर. बहुत अच्छे, बाकी सब लोगों को भी मौका दो भाई अपनी प्रतिभा दिखाने का. मेरा भी सेम आ गया. तेरा भी सेम आ गया? शाबाश, बहुत अच्छी बात है. तेरा सेम आ गया तो रुक जाओ, अभी और देखते हैं अपन. बाकी तेरा से तू कौन था? वेदांत था? कौन था? सर ईशान. ईशान तेरा आ गया, बधाई हो. वेदांत कहाँ है भाई? अपना कहाँ आंसर है? अपना आंसर आ रहा है वेदांत? नहीं आया? अरे भाई कैसे करना है, घबराना नहीं है अपन को, कर देना है. देखो कैसे करना है, कौन बताएगा जरा मुझे बताओ, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? बता. सर हमने अभी फॉर्मूला देखा था कि आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, तो उसमें फॉर्मूले में रखना है बस. करंट इज कितना चार्ज फ्लो किया डिवाइडेड बाय कितने टाइम में फ्लो किया. 5 कूलम फ्लो किया, 5 10 सेकंड्स में फ्लो किया, तो 5 कूलम डिवाइडेड बाय 10 सेकंड कर दिया, हाफ कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड मतलब एम्पियर, करंट आ गया हाफ एम्पियर. हो गया काम खत्म. आई बात समझ में भाइयों? यस सर. सबको? यस सर. अगला दूं? यस सर. 10 कूलम ऑफ चार्ज flows in 5 seconds. Find the electric current. चलो भाइयों लग जाओ. Sir, 2 ampere. बहुत अच्छे, बाकी लोगों को मौका दे भाई, अपन को अकेले नहीं पढ़ना है, सबको साथ में पढ़ना है. 10 coulombs of charge flows through a circuit in 5 seconds. बताओ भाई यू आंसर. बहुत ही अच्छे. करंट इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. कुछ नहीं करना यार, चार्ज को डिवाइड कर देना है टाइम से और अपना आंसर आ गया 2 एम्पियर. चलो अब मैं सवाल को थोड़ा सा मुश्किल कर देता हूँ. इलेक्ट्रॉन्स, अब थोड़ा मुश्किल लगा, फ्लो थ्रू अ सर्किट इन 10 seconds. फाइंड द करंट. एक चीज तुमको पता होना चाहिए, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10^-19 कूलम. तो ये इंफॉर्मेशन तुमको दी हुई है, तुमको बाकी की चीजें बतानी है. 2 मिनट का समय है तुम लोगों के पास. स्टार्ट.
आया किसी का आंसर? आंसर आया किसी का? अरे कुछ तो बोल दो, हाँ ना कुछ तो बोलो। सर कर रहा हूँ। चलो करो, एक मिनट और है तुम्हारे पास। सर 5.12 एम्पियर। 5.12 कैसे है? ओके चलो थोड़ा सा मैं इस सवाल को कर देता हूं। सबसे पहले तो हमको निकालना है भाई, करंट निकालना है, दैट इज द फाइनल एम, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। नाउ यू कैन सी टोटल टाइम तो सीधा सीधा दिया भाई 10 सेकंड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो दिया हुआ है सामने, टोटल टाइम दिया हुआ है, लेकिन टोटल चार्ज डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, इनडायरेक्टली दिया हुआ। इन्होंने दिया हुआ है कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है इतना। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्यू कितना आएगा। टोटल चार्ज क्यू होगा एन इंटू ई, ऐसे लिखते हैं अपन। एन यहाँ पे क्या है भाई? एन है नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए। और ई क्या है? ई है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है सबको? कैसे निकाला मैंने, कैसे निकालने वाला हूं मैं टोटल चार्ज? टोटल चार्ज निकालने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा एन जो कि है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, मल्टीप्लाई कर दूंगा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन से। तो कर देते हैं भाई, तो मैंने किया 3.2 × 10⁻²⁰ को मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 × 10⁻¹⁹। 20 से 19 कट गया, एक 10 बच गया, करेक्ट। अब 3.2 को मैंने 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा 3.2 को 1.6 से मल्टीप्लाई करने पर? 5.12। हाँ सही बोल रहा था लड़का, 5.12 × 10⁻¹। इतना कूलम ऑफ चार्ज फ्लो किया, हाँ कि ना, बोलो भाई। यस सर। बस अब इतना हो गया तो फिर क्या बचा भाई? अब तो कुछ नहीं बचा। आई को लिख दिया मैंने टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टी, और पटाक करके अपना आंसर आ गया 5.12 × 10⁻¹० तक तक, आंसर आ गया 5.12 एम्पियर। आया कि नहीं आया बोलो, किसको तकलीफ हुई सवाल में? भावेश, वेदांत, सिद्धांत, ईशान तो निकल लिया, पता नहीं डिस्कनेक्ट हो रहा है। क्लियर है सबको, समझ में आ गया कैसे करना है? यस सर। एक और आखिरी सवाल इस पे दूंगा मैं, ताकि ये चीज अच्छे से तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस के बैठ जाए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। 2 × 10⁻²⁰ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू समथिंग इन 20 सेकेंड्स, फाइंड द करंट। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा नहीं है, मैं उम्मीद करूंगा कि तुमको याद है कितना है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, याद रहना चाहिए सबको, ये ऐसी चीज है जो कभी भूले से भी नहीं भूलना है हमको। सवाल तुम्हारे सामने है, पेन तुम्हारे पास में है, करो।
सिद्धांत तू है ना वहां पे या निकल लिया? यस सर। ईशा निकल लिया, डिस्कनेक्ट हो रहा है। सर बोल। 3.2 एम्पियर। 3.2 एम्पियर लुक्स लाइक द करेक्ट आंसर। देखते हैं वेदांत सिद्धांत हुआ कुछ जो मैं करूं। करंट इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हम सबको पता है टोटल चार्ज निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना है। कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए? 2×10^20 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए, मल्टीप्लाई कर दिया चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को। 1.6×10^-19 कूलम होता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आएगा 3.2×10^1 कूलम। सही है कि नहीं है बोलो, यहाँ तक सही है? यस सर। बस यहाँ तक सही है तो आगे का भी कार्यक्रम सही होगा। आई इज टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टी। टोटल चार्ज इज 3.2×10 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम है 20। आंसर आएगा 1.6 एम्पियर। भावेश आंसर गलत था अपना, डिवीजन में गलती हो गई शायद। ये है करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर? बात समझ में आ रही है? ऊपर से निकल जा रही है। मैं बात हूँ मैं ऊपर से निकली। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अब अपन यहाँ पे अपन ने करंट का सवाल करके देख लिया है। करंट के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज है, पॉइंट वाइज बना के अपन लिख लेते हैं। पॉइंट वाइज बना के लिख लेने से वो चीज अपन को हमेशा याद रहेगी। तो लिखो बच्चों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट करंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो हमेशा होता है उसकी डेफिनेशन। क्या है करंट की डेफिनेशन? व्हाट इज करंट? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, क्यू डिवाइडेड बाई टी। याद रहेगा? Yes. इसकी SI यूनिट क्या है भाइयों? कूलम एम्पियर। शाबाश, कूलम को बना दी। कूलम बनाओ या एम्पियर बनाओ, क्या बनाओ? सर एम्पियर। पक्का ना? यस सर। कूलम भाई गुस्सा ना हो जाए? नो सर। नहीं होंगे ना? चलो, 1 एम्पियर कितना है भाई ये बताओ जरा। 1 कूलम पर 1 सेकेंड। 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम का चार्ज फ्लो करे 1 सेकेंड के अंदर तो बन जाता है 1 एम्पियर। ओके, अगली चीज, किस तरह की क्वांटिटी है ये करंट? रिमेम्बर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझाया था ना मैंने स्केलर और वेक्टर? बताया था किसी क्लास में स्केलर और वेक्टर? दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी में होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, लेकिन स्केलर क्वांटिटी में होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड। करंट किस तरह की क्वांटिटी है? बताया था करंट है स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब करंट में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता होगा। यस या नो? यस सर। नहीं, करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो अब बात करेंगे अपन डायरेक्शन की, फिर अपन बात करेंगे कि भाई जब मैग्नीट्यूड भी है जब डायरेक्शन भी है तो ये पॉजिटिव, तो
तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, की बात अपन बाद में करेंगे। पहले अपन देख लेते हैं डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन क्या लेते हैं? तो याद रहे डायरेक्शन ऑफ करंट, दो तरह के डायरेक्शन होते हैं करंट के, जो हम डायरेक्शन बोलते हैं वो बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन, जैसा मानते हैं है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं उसको हम डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं बताया था मैंने, कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं पॉजिटिव चार्जेस? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये कहलाता है करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन। जो डायरेक्शन हम यूज करेंगे वो कहलाता है करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन। एंड इट ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम पॉजिटिव नहीं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक और डायरेक्शन कहलाता है जो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन, जो कि है एक्चुअल डायरेक्शन। जब हमने करंट के बारे में पढ़ा बेटा, करंट को समझा, तो हमको ऐसा लगा कि करंट में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर, पर ऐसा हकीकत में है नहीं। एक्चुअली में देखा जाए तो कंडक्टर के अंदर कौन से चार्जेस फ्लो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं या नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हैं? सर बोथ, ज्यादातर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। सो द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने देखा था आज की क्लास में, हमने देखा है, क्या देखा है हमने आज की क्लास में, कि अगर पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव, तो जो हमारे दूसरे वाले भाई हैं नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्लो करते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर, याद है ना? पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ, लेकिन नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो फ्लो करते हैं लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ, याद है ना सबको? यस सर। सर फिर से बोलो जरा जोर से, याद है ना? यस सर। हाँ, तो वो है हमारा करंट का, वो है हमारा करंट का एक्चुअल डायरेक्शन। तो कोई कभी गलती से पूछ ले कि भाई करंट का कन्वेंश, जब भी कोई पूछेगा करंट के डायरेक्शन के बारे में, ये बात ध्यान रखना बच्चों, तो तुम्हें कौन सा डायरेक्शन बताना है उसको। जब भी कोई तुमसे पूछे करंट कैसे फ्लो करता है, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, कहां से कहां फ्लो करता है, तुमको क्या बोलना है, क्या है आंसर तुम्हारा? व्हाट इज योर आंसर? करंट ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम हायर टू लोअर, व्हिच इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, व्हिच इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डायरेक्शन होता है वो उसका उल्टा होता है, विच इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्जेस। एम आई क्लियर? ये बात समझ में आई सबको? Yes, तब हाथ रेज कर दो फटाफट, ये समझ में आ गई बात? ओके नाउ, अब करंट में मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, बट करंट इज अ स्केलर, क्योंकि वो एक चीज नहीं करता, करंट इज अ स्केलर बिकॉज इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। करंट स्केलर की तरह क्यों माना जाता है? क्योंकि करंट को वेक्टर की तरह ऐड नहीं किया जाता, करंट नंबर्स की तरह ऐड होता है, करंट डायरेक्शन से ऐड नहीं होता है। एग्जांपल क्या है इसका, देखो बच्चों, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत आराम से समझना। ये है पॉइंट ए, इस पॉइंट ए को बोलते हैं जंक्शन। इस जंक्शन पे तुमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? अलग अलग ब्रांचेस ऑफ करंट आ रहे हैं, मैंने सबको इनकमिंग बना दिया, एक को तो आउटगोइंग बनाना पड़ेगा, एक को मैंने आउटगोइंग बना,
यहाँ से आया 1 एम्पियर करेंट, यहाँ से आया 2 एम्पियर करेंट, यहाँ से आया 4 एम्पियर करेंट। अब ये करंट अलग अलग डायरेक्शन से आ रहा है जंक्शन ए पर, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस वाले जो ब्रांच है उसमें कितना करंट जाएगा? तुम्हें कुछ नहीं पता है करंट कैसे ऐड होता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के मेरे बच्चों बताओ मुझे कि जो तो जो बाहर वाली ब्रांच है उसमें कितना करंट जाएगा? किसी ने बोला, क्या आंसर बोला बेटा? 7 एम्पियर। 7 एम्पियर। तो तुमने क्या किया, तुमने देखा ये सर बहुत सिंपल था, ये तो एक तरफ से 1 एम्पियर अंदर जा रहा है, दूसरी तरफ से 2 एम्पियर अंदर जा रहा है, इसी तरह से 4 एम्पियर जा रहा है। सर टोटल करंट जो अंदर गया वो 7 एम्पियर था, तो जितना बाहर निकलेगा वो 7 ही होगा ना, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में बाहर निकाल लो, अब चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे ऐसे निकाल लो। मैं बोलूंगा हाँ बच्चा ये बात बिल्कुल सही है, जितना करंट अंदर गया उतना ही करंट बाहर आएगा, करंट सिंपल नंबर की तरह जुड़ता है या सब्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि वो सिंपल नंबर की तरह जुड़ता है और सब्ट्रैक्ट होता है, इसलिए वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, और अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा तो वो वेक्टर नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा स्केलर, करंट स्केलर। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ये बात समझ में आई? सब लोग हाथ खड़े करो, हाँ सर बस बात समझ में आई। ओके, ये जो तुमने लॉ पढ़ी है जिससे तुमने ये समझा है कि करंट स्केलर है या वेक्टर, इस लॉ का एक नाम भी है। तो पूरी तुमने रामायण यहाँ पढ़ी है कि अंदर आने वाला करंट इज इक्वल टू बाहर जाने वाला करंट, इस लॉ का एक नाम भी है। ये है तुम्हारा होमवर्क, तुम मुझे पता लग करके बताओगे कि इसको क्या बोलते हैं, अंदर आने वाला करंट इज इक्वल टू बाहर जाने वाला करंट, ये एक लॉ है, क्या है इस लॉ का नाम, ढूंढ के तुमको मुझे बताना है। बता पाओगे? समझ में आया कि नहीं आया? ओके, नाउ अब अगर हमें करंट को फ्लो कराना है तो हमको उसके लिए एक पाथ बनाना पड़ेगा। उस पाथ को पता है क्या बोलते हैं हम, जिस पाथ में करंट फ्लो करता है या जो जिस रास्ते पे करंट चलता है उसको हम बोलते हैं सर्किट। सुना है सर्किट? सर्किट सुना ये टर्म सर्किट? सर्किट टर्म सुना है? व्हाट इज अ सर्किट? यस सर, अ सर्किट इज अ पाथ थ्रू विच व्हाट हैपेंस, लोग आते जाते हैं, करंट फ्लोस। पता है ना ये बात, सर्किट इज अ पाथ थ्रू विच करंट फ्लोस। करंट कैन ओनली फ्लो इन क्लोज्ड सर्किट। ये सुना है? करंट कैन ओनली फ्लो इन क्लोज्ड सर्किट। करंट को फ्लो कराने के लिए सर्किट का क्लोज होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास एक ऐसा पाथ है टक 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 टक, ये कहलाता है ओपन सर्किट। क्या इस ओपन सर्किट में करंट फ्लो कर सकता है? नो सर, करंट इस सर्किट में फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि ये पाथ क्लोज नहीं है। तो करंट को दौड़ाने के लिए, करंट फ्लो ऑफ चार्जेस को करने के लिए कैसा पाथ चाहिए अपन को? एक ऐसा पाथ चाहिए जो कि which is closed, closed हो ऐसा। क्या इस पाथ में करंट फ्लो कर सकता है? यस सर। तो ये पाथ कहलाता है सर्किट। तो मैं तुमको एक चीज बताई थी, करंट फ्लो कराने के लिए सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज की जरूरत होती है, बिना उसके करंट फ्लो ही नहीं कर सकता। एक तो पाथ है भाई, उसको रास्ता चाहिए, वो रास्ता क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए,
लेकिन इसके अलावा भी एक चीज और है जो करंट को फ्लो कराने के लिए बहुत ही जरूरी है, वरना उसके बिना तो करंट कभी फ्लो कर ही नहीं सकता सर्किट के अलावा। वो ऐसी कौन सी चीज है जो जरूरी है सर्किट में होना, वरना करंट फ्लो ही नहीं करेगा कभी। क्या है वो चीज जो जरूरी है सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए, क्या है वो चीज? करंट को सर्किट में फ्लो कराने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? एक तो सर्किट चाहिए जो कि बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, उसके अलावा क्या चीज चाहिए हमको? हमको चाहिए एक पोटेंशियल डिफरेंस। याद है पोटेंशियल डिफरेंस? क्लास में हो या निकल लिए? यस सर। क्या चाहिए हमको करंट को फ्लो कराने के लिए? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, और वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस कौन पैदा करेगा भाई? अ सेल और अ बैटरी। बैटरी और अ सेल पैदा करेगा वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब सर्किट में कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है। क्या है वो जरूरी चीजें जो सर्किट में होना चाहिए? क्या है वो जरूरी चीजें? पहली बात तो सर्किट होना चाहिए, और सर्किट कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड। सर्किट होना चाहिए और सर्किट होना चाहिए क्लोज्ड। उसके अलावा एक सेल होना चाहिए, सेल या बैटरी, एक सेल या बैटरी होना चाहिए जो बैटरी सेल बोलते हैं अपन एक सेल को, यहाँ पड़ा होगा एक सेल, ये देखो ये है, ये एक डीसी सेल है। एक सेल मतलब सेल, दो सेल मतलब बैटरी, तीन सेल मतलब बैटरी, एक से ज्यादा सेल बन जाएं तो वो बैटरी बन जाती है। एक सेल का मतलब एक सेल, एक से ज्यादा सेल मतलब बैटरी। ये बात पता है सबको? यस या नो? यस सर। क्या फंक्शन है सेल या बैटरी का एक सर्किट के अंदर, ये बताओ फटाफट जरा मुझे। सर टू प्रोवाइड अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। यस, टू प्रोवाइड अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। कभी कभी कोई तुमसे बोलेगा कि भाई सेल किस लिए है सर्किट में बताओ, कभी ये मत बोल देना कि सेल इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है। नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रोवाइड करता सेल, प्रोटॉन्स भी प्रोवाइड नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं देता, नेगेटिव चार्ज भी नहीं देता, देता वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज करता है। क्या करता है वो? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है दो पॉइंट के बीच में, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। कैसे डिफरेंस क्रिएट करता है? ये है सेल या बैटरी, ये देखो ये मैंने बना दिया एक सर्किट, ये है एक सेल या बैटरी, दो डंडों से डिनोट करते हैं हम इसको। ये कहलाता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये कहलाता है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस इज एट अ हायर, दिस इज एट अ हायर पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है? ऊपर से निकल जा रही है, बोलो हाँ। यस सर। एंड दिस इज एट अ लोअर पोटेंशियल। अब मैंने क्या किया बेसिकली, अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं, मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या क्रिएट कर दिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में क्या क्रिएट कर दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। किसने किया ये काम? सेल या बैटरी। सेल या बैटरी का है ये काम, इसने क्रिएट कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही क्रिएट हुआ पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होना चालू हो गया भाई? ये एक वायर है, कंडक्टिंग वायर, मतलब इसमें बहुत सारे वो घूम रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो जैसे ही मैंने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तो क्या होगा? ये जो अपने पॉजिटिव चार्ज वाले भाई हैं, पॉजिटिव चार्जेस जो हैं, कहां से कहां फ्लो करने लगेंगे?
पॉजिटिव चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो करने लगेंगे? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मतलब सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से जाएंगे और नेगेटिव टर्मिनल से अंदर घुस जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ऊपर निकल जा रही है कि मैं बातों में निकली ऊपर से? अंडरस्टूड। लेकिन एक्चुअल जो करंट है वो ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि एक्चुअल करंट में पॉजिटिव चार्जेस नहीं फ्लो करते हैं, तो क्या फ्लो करता है? क्या फ्लो करता है? नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं। नेगेटिव चार्ज कैसे फ्लो करेंगे? नेगेटिव चार्ज कैसे फ्लो करेंगे बताओ बताओ बताओ। तो ये तो हरे वाले हैं, ये है नेगेटिव चार्जेस। समझ में आ रहा है भाइयों? यस सर। ये जो हरा वाला पाथ है ये नेगेटिव वाला पाथ है। तो एक्चुअली करंट ऐसे घूम रहा है हरे वाले पाथ में, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। बात समझ में आई? यस सर। पक्का? तो yes, सर्किट के कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो मैं तुमको अब दिखाने वाला हूँ। ये कंपोनेंट्स आपको ड्रॉ करने हैं अपनी नोटबुक में कल, क्योंकि कल अपन इनके बारे में, कल मतलब अगली क्लास में, अगली क्लास हो सकता है कि मैं मंडे को लूँ तुम लोगों की, तो ये सब तुमको बताना है उस क्लास में, ये सब बना के लाना है उस क्लास में। आई होप तुम लोग लेकर आओगे ये बना हुआ कार्यक्रम। हाँ या ना? यस सर। एक्सेप्ट करो? यस सर। और नहीं लाया तो सर तो पता नहीं, सर तो पता नहीं, मैं मार लगाऊंगा। मैं मुझे मार लगाने में बड़ा मजा आता है बच्चों, तो मार पड़ेगी। ये जो सर ऑनलाइन है, सर ऑनलाइन कैसे? हाँ ऑनलाइन में तो मार मारूंगा ना बेटा, तुम लोग यहाँ से पहले बुलाऊंगा शराफत से, फिर लगाऊंगा टड़ा तर। ठीक है, ये जो शीट है ये मैं आपको अपने स्टडी मटेरियल में डाल दूंगा अभी क्लास के बाद। जो आज के नोट्स हैं वो डाल दूंगा मैं स्टडी मटेरियल में क्लास के बाद। नोट्स को पढ़ना, शीट को पढ़ना। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की शीट है, जो भी मैंने पढ़ा है बेटा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप नोट्स नहीं बना पाए हो तो प्लीज नोट्स बनाना, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्लास 12 तक आपके काम में आने वाले हैं। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया ऑलमोस्ट सब कुछ इन नोट में मिल जाएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, डेफिनेशन की स्पेलिंग गलत है लेकिन चलो ठीक है, वो मिसप्रिंट हो गई है। कितना चार्ज फ्लो किया है कंडक्टर में एक सेकेंड में वो कहलाता है करंट। हाँ या ना बोलो फटाफट। ओके सर। टोटल करंट इज टोटल चार्ज, करंट इज चार्ज वाले टाइम, पता है कि नहीं पता है? यस सर। यस सर। एसआई यूनिट ऑफ करंट एम्पियर है, पता है कि नहीं पता है? यस सर। यस सर। यहाँ पे एक और चीज बताई है, क्योंकि करंट जो एम्पियर है बेटा बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ी बड़ी जगह पे मिलेगा 1 एम्पियर करंट। नॉर्मली जो करंट हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो मिली एम्पियर है। 1 मिली एम्पियर इज 10^-3 एम्पियर याद रहेगा? यस सर। यस सर। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर याद रहेगी? 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में। यस सर। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट याद रहेगा? नहीं सर, 1 सेकंड। हाँ याद रहेगा? यस सर। ठीक है, ये तो बकवास है। देखो ये इन्होंने बताया हुआ, ये बनाई है बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, दिख रहा है चार्जेस कैसे फ्लो कर रहे हैं? नेगेटिव चार्जेस yes, कैसे आ रहे हैं? और ये देखो ये है एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा, जो मैंने नहीं बनाया, मैंने बनाया कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, जो ये बाहर वाला डायरेक्शन दिखाया हुआ है ये हम मानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट है, एक्चुअली ऐसा है नहीं, हम मानते हैं। लेकिन जब भी कोई बोलेगा तो अपन को हमेशा ये बोलना है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। बात समझ में आई? यस सर। अब जो काम तुमको करना है वो भी सर, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है तेरी आवाज। इलेक्ट्रिकल सिंबल बनाने याद करने, ये कौन कौन से सिंबल्स हैं? इलेक्ट्रिक सेल, समझ में आया इलेक्ट्रिक सेल? यस सर। एक सेल सर, नॉट परफेक्टली, मेरे को क्या समझ में नहीं आया इलेक्ट्रिक सेल में? पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, दिखाई थी ना सेल, दिखाया था ना अभी, वही इलेक्ट्रिक सेल डीसी का। हाँ हाँ हाँ। एक से ज्यादा सेल बन गए, एक से ज्यादा सेल बन गए तो क्या बन गई? बैटरी। दिख रहे हैं 2-3 सेल दिख रहे हैं उसमें? यस सर। हाँ सर दिख रहे हैं। अलग अलग चीजें, प्लग है, की है, क्या किस काम में आता है मैं सब बताऊंगा, लेकिन तुमको अभी ओके सर आज की क्लास में, आज की क्लास के बाद ये सब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब जैसे इसमें बनाए हैं वैसे अपनी कॉपी में बना लेने हैं, ताकि अगली क्लास में अपन थोड़ा जल्दी कार्यक्रम कर पाए और पढ़ लेनी है ओम्स लॉ।
अगर पढ़ सको तो। सर वो क्या, आपने वर्कशीट भेजी, वो आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजना है क्या? मैंने कौन सी वर्कशीट, मैंने भेजी कुछ? आप बोल रहे थे ना, अभी मैं भेजूंगा, अभी तो मैंने क्वेश्चन भेजे नहीं है बेटा, अभी मैंने क्वेश्चन भेजे नहीं है, अभी तो आई एम जस्ट सेंडिंग यू द नोट्स, क्वेश्चन तो मैं भेजूंगा, गा गा गा, ठीक है? तो यहाँ तक पढ़ना है, ओम्स लॉ अगर पढ़ सको तो बहुत अच्छी बात है, ओम्स लॉ तक पढ़ लो, ये अपन कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि मैं लेने वाला हूँ मंडे के दिन शायद। ओके, अब आपकी क्लास में जाओ, मेरी दूसरी क्लास भी है। हाँ जा, अब इस वीक से आपकी क्लास कंटिन्यूअसली चलेंगी, ओके, सैटरडे और मंडे प्रोबेबली, ठीक है? चलो फिर मैं क्लास वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे, और मिलते हैं अपन मंडे को, बाय बाय।